मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 550 मीट्रिक टन क्षमता के गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वेबकास्ट के माध्यम से नगर परिषद गंज बासुदा के कार्यालय प्रांगण में एलईडी पर प्रदर्शित किया गया। प्रधानमंत्री के उद्बोधन में वेस्ट टू वेल्थ के विजन को साकार करने की बात कही तथा कोरोना काल से लेकर नगर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए सफाई मित्रों का हृदय से धन्यवाद किया। निकाय के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक श्रीमती लीना संजय जैन विधायक रही। लोकार्पण के उपरांत विधायक द्वारा निकाय की 4 डोर टू डोर कचरा वाहनों का लोकार्पण किया गया तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षित हितग्राहियों को ब्यूटी वेलनेस एवं सिलाई कढ़ाई के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। विदिशा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। इंदौर यानी स्वच्छता में अव्वल शहर, ये इंदौर के लोगों की साझा उपलब्धि है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वेस्ट टू वेल्थ की अवधारणा पर लगातार 5वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का सम्मान प्राप्त करने वाला इंदौर शहर। नमस्कार, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री हरदीप पुरी जी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, कौशल किशोर जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, सांसद विधायकगण, इंदौर समेत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।